बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द एक्सरसाइज सी, लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज। दिस एक्सरसाइज इज़ फ्रॉम द डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसके लिए मैंने नोट्स बना लिए हैं। ये एक्सरसाइज आपको पेज नंबर 8 पर मिलेगी, ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 की। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको याद है कि आपने बुक 2 में नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब को सीखा है। और आपको क्या याद है कि नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन की यहाँ पर डेफिनेशन मौजूद है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग। नाउन किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं, ख्वा वो इंसान का नाम हो, ख्वा वो किसी जानवर का नाम हो, ख्वा वो किसी चीज़ का। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सेंटेंस है, द गर्ल सेट ऑन द फेंस, लड़की जंगले पर बैठी। तो यहाँ पर नाउन क्या है? द फर्स्ट नाउन इज़ हेयर द गर्ल, और फिर दूसरा नाउन हमारे पास इसी सेंटेंस में है, फेंस। आपने इनको अपनी बुक पे करना है अंडरलाइन। सो नेक्स्ट है, राइट दीज सेंटेंस इन योर नोटबुक इन अ करेक्ट ऑर्डर। हमारे पास पेज नंबर 8 पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो ऑर्डर्स में नहीं हैं, हमने इन सेंटेंसेस को ऑर्डर्स में करना है। तो इन सेंटेंसेस को ऑर्डर में करने के बाद हमने इन्हीं सेंटेंसेस में जितने भी नाउन हैं उनको करना है अंडरलाइन। सो ऑर्डर में सेंटेंस लिखने के लिए फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास आएगा डी, ही वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच वेटिंग फॉर द बस। एफ, द बस डिड नॉट कम। सी आएगा उसके बाद ऑर्डर में सेंटेंस, अ टैक्सी अराइव्ड एंड द मैन गॉट इन। ई, द ड्राइवर आस्क्ड हिम फॉर सम मनी। ए, द मैन टुक अ नोट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गेव इट टू हिम। बी, द टैक्सी वेंट ऑफ द रोड। जी, द टैक्सी अराइव्ड एट द हाउस। तो ये सेंटेंसेस सीक्वेंस में लिखने के बाद हमने इन्हीं सेंटेंसेस में जहाँ जहाँ पर नाउन है उन्हें करना है अंडरलाइन। सो फर्स्ट नाउन हमारे पास यहाँ है बेंच, और फिर है बस। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस में बस नाउन है, फिर टैक्सी इज़ अ नाउन, मैन इज़ अ नाउन। सेंटेंस ई में तो ड्राइवर इज़ द नाउन, मनी इज़ द नाउन। सेंटेंस ए में मैन इज़ द नाउन, पॉकेट नाउन है, टैक्सी is the noun and road is the noun. Sentence G में noun है taxi, house. तो जितने भी nouns हैं हमने इनको जब notebook में orders में लिख लेना है sentences को, तो हमने उसके बाद इन sentences में तमाम noun को कर लेना है underline. So it is all about today's lesson. I hope you learn many more. At the end of the video, I have to request you, please pray for my mother. May Allah grant her to the highest level of Jannah. Ameen Summa Ameen. Rabbana khulli wali walidayya. Stay recite Durood e Pak sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Hafiz.